प्यारे साथियों, महेश गुरुजी की क्लास में आपका वेलकम है। आज के वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं 10 ऐसे जरूरी ट्रांसलेशन जो रोजमर्रा की लाइफ में हम बोलते ही बोलते हैं। देखिए, जरा पढ़ के देख लो, आपको लगेगा हाँ जरूरी है। जैसे देखो, कहीं से आपको जाना है, निकलना है, तो हम क्या बोलते हैं, मुझे अब जाना है, मुझे अब निकलना है, मैं अब जाना चाहता हूँ, मैं अब जा रहा हूँ, मैं बस निकल ही रहा हूँ, मैं अब जाने वाला हूँ, मुझे अब जाना पड़ेगा, मैं बस निकलने वाला हूँ, मैं अब और नहीं रुक सकता हूं, मैं बस निकल गया। तो एक चीज आपने नोट की होगी, भले ही सेंटेंस 10 है लेकिन सेंस सब में एक ही है। मन आप किसी जगह पर, वहां से बस निकलने वाले हो, बस चलने वाले हो, बस अब जा ही रहे हो। अब देखो, भले ही सेंस एक ही है लेकिन सेंटेंस 10 है और हम अलग अलग तरह से बोलते भी हैं, तो सबकी इंग्लिश अलग अलग तरह से बनेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला है मुझे अब जाना है। हम ऐसा कब बोलते हैं, काफी देर हो गई और बोलते हैं ना यार मुझे अब जाना है। अब देखो, भले ही मुझे अब जाना है सेंटेंस एक ही है लेकिन इसकी इंग्लिश दो तरह से बन सकती है। मैं दोनों तरह से बता दूं फिर बताऊंगा अंतर क्या है। एक तो आप बोलोगे आई हैव टू गो नाउ, मतलब मुझे अब जाना है, या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हो आई एम टू गो नाउ। अब फिर इनमें अंतर क्या है, इनमें अंतर देखो ये है, मतलब आपके पीछे सेंस क्या है। एक तो देखो, आपको काफी देर हो गई है ना और बस अब टाइम भी हो गया यार, बस अब चलना है, एक प्लानिंग है, तो आप लगाओगे आई एम टू गो नाउ। लेकिन कहीं आपको एक बाध्यता है, एक ऑब्लिगेशन है, आपको कोई और काम भी याद आ गया कि यार अब मुझे जाना है, मतलब थोड़ा प्रेशर है, थोड़ा ऑब्लिगेशन है, थोड़ी बाध्यता है, तो आई हैव टू गो नाउ। ठीक है, हाँ दोनों का अर्थ यही होगा, मुझे अब जाना है, लेकिन सेंस में अंतर है। अगला है मुझे अब निकलना है। ये तो कहने कहने का स्टाइल है, मुझे जाना है, निकलना है, बात एक ही है, लेकिन अगर आपने निकलना है वर्ड बोला तो फिर वर्ब दूसरी लगानी पड़ेगी। अरे ऐसे समझो ना, एक और चॉइस है, आप ऐसे बोल सकते हो हाँ इसमें भी दोनों बात है, मतलब दोनों तरह से स्ट्रक्चर बन सकता है, सिर्फ वर्ब का चेंज होगा। अब निकलने क्या होगी तो वो बता देता हूं, आई हैव टू लीव। लीव होता है छोड़ना, किसी स्थान से निकलते हैं ना तो लीव मतलब छोड़ना, और लीव छुट्टी भी होती है, लेकिन यहां पर छोड़ने के अर्थ में है, मतलब किसी स्थान को आप प्लेस को छोड़ो, वहां से निकलो, तो लीव लगाते हैं। तो आई हैव टू लीव नाउ, अब मुझे निकलना है, या फिर आई एम टू लीव नाउ। ठीक है, दो तरह से बात एक ही आ रही है। अगला है मैं अब जाना चाहता हूं, मतलब काफी देर हो गई, क्या बोलोगे यार मैं अब जाना चाहता हूं, तो ये सिंपल है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आएगा, आई वॉन्ट टू गो नाउ। ठीक है, हाँ एक खास बात, जो नाउ है ना अब, जो एडवर्ब है उसको हम शुरू में भी लगा सकते हैं, जैसे नाउ आई वॉन्ट टू गो, अब मैं जाना चाहता हूं, जैसे इसमें नाउ आई हैव टू लीव, अब मुझे छोड़ना है, तो एडवर्ब को पहले लगा सकते हैं, ये छूट है इंग्लिश में। मैं अब जा रहा हूं, ये तो सिंपल है, आपको पता लग गया होगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। भले ही देखो अब मैं अब जा रहा हूं, इसमें आप चल नहीं रहे हो लेकिन हमारा लहजा यही है, भले आप वहीं खड़े हो लेकिन मैं अब जा रहा हूं, भले आप चले भी नहीं लेकिन ऐसा बोलते हैं, इसमें भी वही सेंस आ रहा है, मैं अब जा रहा हूं, तो आई एम गोइंग नाउ, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में बोला। मैं बस निकल ही रहा हूं, इसकी बनेगी आई एम जस्ट लिविंग। देखो बस या अभी अभी के लिए जस्ट लगाएंगे, जस्ट मतलब अभी अभी बस, तो आई एम जस्ट लिविंग, मैं बस निकल ही रहा हूं। हाँ इसमें होता है, देखो मैं बस आई रहा हूं तो आई एम जस्ट गोइंग, आई एम जस्ट कमिंग, हाँ सॉरी जा रहा हूं तो गोइंग, मैं अब जाने वाला हूं तो देखो आई एम अबाउट टू गो नाउ। अबाउट टू का प्रयोग करते हैं जब कोई काम बस जस्ट करने को ही हो, इसको हम ऐसे ही बोल सकते हैं, मैं अब जाने को हूं या मैं जाने वाला हूं, तो जो जाने वाला वर्ड है ना इसके लिए हमने अबाउट लगाया, आई एम अबाउट टू गो नाउ, अब मैं जाने वाला हूं, निकलने वाला हूं। अच्छा अब मैं निकलने वाला हूं ऐसा होता तो आई एम अबाउट टू लीव नाउ, मुझे अब जाना पड़ेगा, हम ऐसे ही बोल सकते हैं, इसमें फ्यूचर की मतलब देखो है तो प्रेजेंट ही, मुझे निकलना पड़ेगा, ऐसा चार दिन बाद के लिए नहीं बोल रहा, अभी के लिए बोल रहा है, लेकिन स्ट्रक्चर बदल जाएगा। अब आप लिखोगे आई विल हैव टू गो नाउ, या लीव भी कर सकते हो, जैसे आई हैव टू लीव नाउ, आई विल हैव टू लीव नाउ, मैं बस निकलने वाला हूं, इसकी बनेगी आई एम जस्ट अबाउट टू लीव, मैं अब और नहीं रुक सकता हूं, ये भी तो भाव हो सकता है यार, अब मैं और नहीं रुक सकता, मतलब मैं बस जाने वाला हूं, मतलब जा ही रहा हूं, तो इसको इसको बोलेंगे हम आई कांट, मतलब कैन नॉट, ठीक है, इसका शॉर्ट फॉर्म है कैन नॉट का, तो आई कांट स्टॉप एनी मोर,
एनी मोर मतलब और अधिक, नाउ अब मैं और अधिक नहीं रुक सकता हूँ, और देर नहीं रुक सकता हूँ, बस निकल गया, मतलब लगातार फोन आ रहा घर से, अरे पता निकला नहीं निकला, तो क्या बोलते हैं बस निकल गया, तो इसका अर्थ क्या है, इसका मतलब है जस्ट लेफ्ट, बस निकल गया, बस छोड़ दिया, या फिर आप ऐसे ही बोल सकते हो ऑन द वे, रास्ते में हूँ, ठीक है, जब आप निकल ही गए तो आप कहाँ हो, रास्ते में हो। देखो बात एक ही है लेकिन कहने के अंदाज अलग अलग हो गए, और हमारे लाइफ में हम रोजमर्रा में कभी ना कभी दो चार बार तो दिन में ऐसे बोलते ही हैं, आप कहीं भी खड़े हो, घर से फोन आ गया, बस निकल लिया, बस निकल रहा हूँ, बस आ गया, इस तरह से बोलते हैं ना। अच्छा अब इस चीज़ को मैंने यहाँ पे जाना वर्ब ली, अब आप जैसे आने में लगाओ, बस मुझे अब आना है, तो यहाँ पे गो के स्थान पे कम हो जाएगा, मुझे खाना है, कुछ भी करना है, तो आप वर्ब को चेंज कर सकते हो और थोड़ी प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। मतलब वीडियो लॉन्ग नहीं था लेकिन जानकारी बहुत अच्छी थी। मैं अक्सर कहता हूँ ना, बूंद बूंद से घड़ा भरता है, धीरे धीरे करके हम सीखते हैं। एक यार मुझे इसमें नजर आ रहा है बोर्ड पे, देखो लीव मैंने कितना ऐसा लिखा है, इसको थोड़ा ठीक कर दो, लीव अटपटा सा लग रहा है सामने, है ना, ठीक है। हाँ, जाने से पहले खास जानकारी जो हर वीडियो के शुरू में दी जाती है लेकिन आज अंत में दे रहा हूँ, शुरू में बताना भूल गया था। देखिए, यदि आपको हमारे द्वारा पढ़ाई गई इंग्लिश ग्रामर समझ में आती है, पसंद आती है, एक विश्वास मिलता है कि हम सीख सकते हैं, और आपको सारे वीडियो सारे ग्रामर सिक्वेंस में चाहिए, तो फिर ये चीज़ प्ले स्टोर पर अवेलेबल है। आप प्ले स्टोर पर जाइए, महेश गुरुजी एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए, रजिस्टर कीजिए, उसके पेड कोर्स में आपको कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर कोर्स मिलेगा, जिसमें हमने यही किया है, सारे इंग्लिश ग्रामर को सीक्वेंस में डाला है वन बाय वन करके विद पीडीएफ नोट्स, यानी आप वीडियो देख सकते हो और टॉपिक को पीडीएफ में पढ़ भी सकते हो, चूंकि एक्स्ट्रा मेहनत लगी है। हाँ, यूट्यूब का नहीं है उसमें कि यहाँ से सीक्वेंस वहाँ डाल दिया, नहीं, सारा कोर्स अलग से बनाया है बेसिक टू एडवांस, चूंकि एक्स्ट्रा मेहनत लगी है, थोड़ी फीस है, आप चाहें तो परचेज कर सकते हैं, परचेज नहीं करना चाहते बिल्कुल मत करना, यूट्यूब पर आपका वेलकम है। इसी तरह से आपको सिखाता रहूँगा, अक्सर कहता हूँ ना सिखा के छोड़ूंगा, मतलब सिखा के छोड़ूंगा। अब देखो ये जो आइडियाज है ना, बात एक ही हम कैसे भी कह सकते हैं लेकिन एक्चुअली हम बोलते हैं, कभी ऐसे बोल देते हैं कभी ऐसे, तो फिर इन सब की इंग्लिश भी अलग अलग हो जाएगी। और फिर दूसरी बात, प्रैक्टिस कैसे करना, देखिए यहां पर गो वर्ब दिए, अब आना जाना खेलना जो भी है आप उसको सेट कर सकते हो और दो तीन बार रिवाइज कर लेना, बोल के देख लेना, बस पक्का हो जाएगा, ठीक है। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, ज्यादा से ज्यादा शेयर किया करो, यदि आप चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना, ताकि आपको आने वाले वीडियोस को नोटिफिकेशन मिल जाए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय। हाँ, आप इसको नोट कर सकते हो।